नमस्कार, मैं बाबा अनिल अनिल मजुमदार। आज जो है आपको मैं इस्लाम धर्म में जो है एक जिन जिन्नात जिनी तीनों एक ही होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप जो हैं उसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो सबसे और उनके बारे में बताऊंगा, फिर मंत्र भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है अमर अरवाह शैतान मरीड लफरेड, ये सूरत में और जिन हैं, ये कैटेगरी जिन को कैटेगरीज में बताया गया है, उसमें है ना। बिलीवर्स होते हैं भी हैं, डिसबिलीवर्स होते हैं और मिसगाइडेड भी होते हैं। तीन तरह के होते हैं, है ना। बिलीवर्स माने जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, डिसबिलीवर्स उन पर विश्वास ना करिए, और तीसरा मिसगाइडेड, वो आपको भटका सकते हैं। सूरह रहमान वर्सेस में 15 में प्री इस्लामिक एरा में क्या था, द विंग्ड जिनी इन द बकेट एंड कोन मॉडिफाई डेमी डिवाइन इंटाइटी, ये जो है जो कि बाद में इस्लाम में जिन कहलाए, किंग सरोगन अल दुर सहखीन 713 से 716 BCE, कहा गया है कि राजमहल की उत्तरी दीवार से छुड़ाए गए इस्लाम धर्म के पहले या अरब लोगों के रिलीजन में उनके बारे में बताया गया है। वो अधिकतर रेगिस्तान और गंदी जगहों पर रहते हैं और बिना धुएं के आग और हवा से बनते हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं। जो जानवर अल्लाह और जिन में बस इतना ही फ़र्क है, जो जानवर भी मतलब बनते हैं और जानवर के रूप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्लाह और जिन में बस इतना ही फ़र्क है कि अल्लाह पब्लिक में पूजे जाते हैं और जिन एकांत और प्राइवेट में पूजे जाते हैं। यही हुआ जिन जिन्नात जिनी का। तो ये जो है क्या कहते हैं, इनका बहुत पुराना है, 713 से 716 BCE के, और मुझको तो मतलब क्या कहते हैं अरेबियन लैंग्वेज में जो है जिन के वश में करने के मंत्र था, लेकिन भाई जान मैं क्या कहूँ कि मुझको जो है उसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता, तो मैं मंत्र क्या बताऊंगा, है ना। तो मैंने बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, और मेरे गुरु के बताए एक सावर मंत्र में जिन का है, तो वो मैंने जो है किया है। तो मैं ये जो हूँ आपके सामने बता रहा हूँ कि जिन क्या होते हैं और उनको कैसे वश में किया जाता है, और सावर मंत्र में जिन का है वो मैं आपको बताऊँगा। आप उसे जानिए और जान के वो करिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिन जो हैं बिना धुएं वाली आग और जो है क्या कहते हैं हवा से बनते हैं, और ये रहते कहाँ पर हैं, ये जो हैं रेगिस्तान में और पुराने महलों में, पुराने मकानों में, गंदी जगहों पे भी कभी कभी रहते हैं, और जो है ये कभी कभी तो बहुत अच्छे, इतने दयालु होते हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, साफ़ सुथरे उसमें, यदि कोई उनको पूछता है उनको बिलीव करता है तो वो तो ये मिनटों में उसको खाकपति से करोड़पति बना सकते हैं। और जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, तो उसी लिए जो है मैंने सोचा कि एक देखिए, कल मैंने आपको बताया था, वीडियो दिया था कि जंगल में फार्म हाउस खरीदने गए पति पत्नी के साथ और उनके दोस्तों के साथ क्या बीता, आगे क्या क्या हुआ वो मैं दूसरे किसी पार्ट में जब बनाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मुझको जो है कम से कम लाइक करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, दूसरा शेयर करिए, और तीसरा जो है आप वो करिए। तो
मैं आपको जिन्नी को वश में करने का मंत्र आपको बता रहा हूँ, है ना। काल है, कराल है, अगिया मशान आए, मेरी पुकार पर भूत प्रेत जिन बैताल आए। काल जाए, कराल जाए, अगिया मशान जाए, भूत जाए, प्रेत जाए, जिन्नात तू कर मेरा एक काम, तू दिखा अपनी शक्ति का जमाल, हर ले उसकी ताकत बुद्धि, पहाड़ बिस्तर तार तलैया, तुझे तेरे मालिक की कसम, जो तू ऐसा ना करे तू जोरख की आग में जले। ओम नमः गुरु शक्ति गुरुदेवाय नमः। फिर से मैं मंत्र पढ़ दे रहा हूँ, इसको जो है आप लोग क्या करिएगा, इसको पॉज कर करके लिख लीजिएगा। हिंदी में है, मैं जो मतलब अरबी भाषा में जो मंत्र है उसका प्रोनाउंसिएशन मैं कर नहीं पाऊँगा, इसलिए जो है मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ। जब मैं ही गलत पढ़ूँगा तो दूसरा क्या करेगा। तो जो हमने ये जो सावर मंत्र है तो उसको फिर से पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग। काल है, कराल है, अगिया मशान आए, मेरी पुकार पर भूत प्रेत जिन बैताल आए। काल जाए, कराल जाए, अगिया मशान जाए, भूत जाए, प्रेत जाए, जिन्नात तू कर मेरा एक काम, तू दिखा अपनी शक्ति का जमाल, हर के ले उसकी ताकत बुद्धि, पहाड़ बिस्तर ताल तलैया ताल, तुझे तेरी मालिक की कसम, जो तू सेवन ऐसा ना करे तू जो रखी आग में जले। ओम नमः गुरु शक्ति गुरुदेवाय नमः। अब इसमें करना क्या होता, इस मंत्र को आप जो हैं मतलब शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, मतलब जैसे यदि कोई हिंदू भाई देख रहा है तो मुस्लिम भाई लोग जैसे नमाज या कहीं पर जाते हैं तो अच्छी तरह से साफ़ सुथरे कपड़े पहन के वजू करके, और यदि पेशाब करने भी जाते हैं तो जो है उसको अपने लिंग को धो लेते हैं ना, उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। इसमें जो है आपको उन दिनों जो है स्त्री सहवास से आपको दूर रहना पड़ेगा, समझिए ना। और जो है आप हल्का खाना खाइए, और जो है एक कमरे को बिल्कुल स्वच्छ कर लीजिए, या किसी वीराने में जाके इसकी आप जो है मंत्र का कम से कम 108 बार मतलब एक माला आपको जाप करना पड़ेगा, और 40 दिन तक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिन्नात स्वयं आपके सामने आ जाएंगे। मैंने कभी किया था, जिन्नात आया भी, लेकिन हुआ क्या कि मैं जो हूँ आखिरी समय बहुत जो है क्या कहते हैं एक भेड़िया मेरे पर, मैं कब्रिस्तान में कर रहा था, मेरा भेड़िया मेरे पर लपका और मैं गिर के बेहोश हो गया। वो आखिरी मंत्र मेरा रह गया तो जिन्नात में वश में नहीं कर पाया। और देखिए ये तो हुआ, आपको क्या करना है, आपको जो है 5 अगरबत्तियाँ ये आपको ले जाने हैं, और इत्र लगा के खुद जाइएगा, और उनको गिफ्ट करने के लिए इत्र की एक शीशी ले जाइएगा, खूब खुशबूदार बेला चमेली जो भी आपको बहुत अच्छा लगे वो आप ले जाइएगा, लगा भी लीजिएगा। और सन्नाटे में काले कंबल के ऊपर बैठ के आप दक्षिण की ओर मुंह करके, और अपने सामने जो है एक दीपक जलाइएगा, और दीपक में जो है चमेली का तेल भरिएगा, और उसको जो है जला के आप दक्षिण जा के जो मंत्र मैंने पढ़ा है उसको आप 108 बार यानी एक माला जाप करिएगा 40 दिन तक। लेकिन इसमें एक वो है, जिस समय पहले दिन जिस जगह पे आपने किया 40 दिन तक उसी जगह उसी समय करना है, क्योंकि आपके पहले दिन के बुलावे में आ जाएंगे वो, है ना। और आपने यदि को जगह बदला तो फिर कयामत हो सकती है, तो ना जगह बदलिए ना कुछ, बस जो है आप 40 दिन तक करिए इसको। और मेरा विश्वास है, मेरे गुरु का भी था, मेरा विश्वास है कि जो है ये आप ज़रूर 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 से इसमें सफल होंगे। इसका एक काम बहुत ही वैसा है जो उस तरह के जिन होते हैं जो कि क्या करते हैं वशीकरण वाले, तो उसमें होता है पुरुष या स्त्री के अधोवस्त्र, सिर के अधोवस्त्र मतलब अंडरवियर बनियान, स्त्री का हो तो ब्रा और अंडरवियर, सिर के बाल या बिस्तर की मैली चादर लेकर उसमें मीठा तेल डालकर, मीठा तेल क्या होता है
मीठा तेल होता है नारियल, और जो है उसमें क्या होता है कि ये जो मूंगफली का तेल ये मीठा होता है ना, मीठा तेल डालकर और एक छिपकली की पूंछ उसमें डालकर 108 बार मंत्र पढ़ के सिद्ध कर लेना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। फिर उसको जो है आग में जलाएं या चूल्हे के नीचे दबा दें, उस चादर को आग में जला दीजिए या चूल्हे के नीचे दबा दीजिए, या इसे शराब में रख कर धूप में रखें। इस स्त्री या पुरुष पर जिन सवार हो जाता है और रात में आक्रमण करता है, समझे ना, रात में स्त्री होगी तो यह नौचार भी करता है, मतलब उससे सेक्स भी करता है, स्त्री या पुरुष की शक्ति समाप्त हो जाती है और वो मर जाती है। ये मारण प्रयोग है। क्या करेंगे, एक भैया जिनको मारना है उनके बाल आप लीजिए, सात बाल होने चाहिए, उसी के होने चाहिए, समझे ना, एक छिपकली जिसकी पूंछ होनी चाहिए, एक चादर उसी के घर से किसी तरह से पार करा दें जो गंदी हो चुकी है ना, और उसमें जो है ये जो है सब रख कर, और जो है आप इस मंत्र को 108 बार पढ़िएगा, उसके बाद उस चादर की पोटली बना के उसको या तो जला दीजिए या चूल्हा जो जहाँ पर जैसे देहात वगैरह में चूल्हा होता है उसी के नीचे गड्ढा खोद के और उसको दबा दीजिए, समझे ना। और जो है जब आप ये करेंगे तो मतलब जिन आएगा, और जिन आके आपकी जो है जिसके लिए आपने सोचा है कि वो मर जाए या वो उसके वो हो जाए, तो स्त्री या पुरुष है ना उसकी धीरे 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 शक्ति कम हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, अंत में जिन उसको अपने साथ ले जाते हैं। ये मैंने बताया, एक बार फिर से मंत्र पढ़ दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये जो है मंत्र है, काल है कराल है अगिया मशान आए, मेरी पुकार पर भूत प्रेत जिन बेताल आए, काल जाए कराल जाए अगिया मशान जाए भूत जाए प्रेत जाए जिन जिन्नात तू मेरा एक काम, तू दिखा अपनी शक्ति का जमाल, हर ले उसकी ताकत बुद्धि पहाड़ बिस्तर ताल तलैया ताल, तुझे तेरे मालिक की कसम जो तू ऐसा ना करे तो दोजख की आँख में जले, ओम नमः गुरु शक्ति गुरु देवाय नमः। ये मंत्र पूरा है, इसको मैंने आपको बताया। अब आप इसको करके यदि कभी किसी ने आपको बहुत परेशान किया, किसी स्त्री ने आपको धोखा दिया, तभी करिएगा, है ना, बहुत जो परेशान बिल्कुल आपके जान पर आए तभी करिएगा, अन्यथा इसको करेंगे तो आपको जो है बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसको आप करिए, करके देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, आगे मैं फिर बताऊंगा। हाँ, कल जो मैंने फार्म हाउस जंगल में जो फार्म हाउस था उसके उसमें क्या क्या घटनाएं हुई हस्बैंड वाइफ उनके दो दोस्तों के साथ, वो मैंने वो किया। प्लीज़ उसको देखिए और उसके जो है वो बढ़ाइए, है ना, मतलब व्यूज़ बढ़ाइए, अन्यथा यूट्यूब वाला मुझे पैसे तो देगा नहीं, मेरे पैसे अलग से खर्च होते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। इसको देख के आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स ज़रूर लिख दिया कीजिए, समझिए ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान सब इच्छाएं पूरी करें।